विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा। मंच पर उपस्थित आज के हमारे इस सत्र के परमाध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी परिव्राजक, कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्वामी श्रेयस्पति जी, मुझसे पूर्व जिनको आपने सुना स्वामी सुखानंद जी सरस्वती एवं प्रोफेसर श्री नरेश जी धीमान। आज इस सत्र का जो विषय है वो विषय है धर्म से, धर्म की शिक्षा से आत्मोत्थान। जब हम सामान्य समाज के बीच में धर्म शिक्षा से आत्म उत्थान की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म शिक्षा से आत्म उत्थान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हिंदुत्व की शिक्षा से कैसे हमारा आत्मा का उत्थान हो सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति होता है तो सोचता है कि क्या इस्लाम की शिक्षा से हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है, क्या ईसाइत की शिक्षा से हमारा आत्मा का उत्थान हो सकता है, या बौद्ध, यहूदी, जैन, पारसी, दादू, कबीर, नानक, इन पंथों से, इन मतों से, इन संप्रदायों की शिक्षाओं से हमारी आत्मा का उत्थान हो सकता है। व्यक्ति सोचता है कि ये जो आत्मा है हमारी, ये जो व्यक्ति हम हैं, क्या इन सब चीज़ों से हमारा उत्थान हो सकता है, क्योंकि धर्म के अर्थ के तात्पर्य में लोगों को इतनी भ्रांति है, इतना मिसकॉन्सेप्शन है, इतनी ज़्यादा भ्रामक प्रचार है कि इंसान धर्म और मत पंथ संप्रदायों में अंतर नहीं समझ पाता। धर्म का तात्पर्य वह सिद्धांत जो जीवन में धारण करने से मनुष्य उत्थान की ओर बढ़ता है। इस्लाम को धारण करके व्यक्ति कितना उत्थान की ओर बढ़ता है इसकी परिकल्पना करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस संसार में जितने इस्लाम को मानने वाले लोग हैं मजहब के रूप में, वो इस बात का प्रमाण है कि उन सिद्धांतों की पालना करने से कितनी आत्मा का उनका उत्थान हो रहा है। और ऐसे ही अन्य मत पंथ और संप्रदायों की बात है, और ऐसे ही हमारे सनातन में जो मिश्रित परंपराएं चल रही हैं वो भी प्रमाण के रूप में उपस्थित है। आत्मा प्रत्येक मानव मात्र के भीतर एक होती है। हर व्यक्ति इंसान के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। जन्म लेने के उपरांत कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई यहूदी बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई नानकी बन जाता है, कोई कबीरपंथी बन जाता है, कोई दादूपंथी बन जाता है। बाह्य आवरणों से हम सब अलग अलग हो जाते हैं, परंतु आत्मा सबकी एक होती है। इसीलिए आत्मा के उत्थान का मार्ग भी सबके लिए एक ही होता है, और वो एक केवल यदि कोई मार्ग है तो वो धर्म की शिक्षा है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हितेपा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। हमारे हितोपदेश में हमारे आचार्य चाणक्य जी ने अलग से ये इस श्लोक के प्रसंग हमको अलग अलग ग्रंथों में मिलते हैं कि आहार, ये निद्रा, ये भय और ये मैथुन, ये मनुष्य में, इंसानों में, मानवों में और प्रत्येक संसार में प्राणी मात्र में समान रूप से विद्यमान है। एक कुत्ते के अंदर भी, एक घोड़े के अंदर भी, एक भैंसे के अंदर भी, एक कीट के अंदर भी, एक पंछी के अंदर भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन उतनी ही है जितनी हम मनुष्यों के अंदर है। परंतु एक तत्व ऐसा है जो हमें उन जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से भिन्न बनाता है, और वो पशु पक्षियों से भिन्न बनाने वाला यदि कोई तत्व है तो वो धर्म है। हमको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, ये जो बोध है ये केवल धर्म से ही आता है। और वही हमको वैदिक धर्म बताता है, वेद का मार्ग बताता है। मानवतावादी हम कैसे बन सकते हैं,
इंसानियत का मार्ग हम कैसे अपना सकते हैं, मनुष्य के भीतर मनुष्यता कैसे जन्म ले सकती है, एक मनुष्य के अंदर इस्लाम के सिद्धांत, क्रूरता के सिद्धांत, कट्टरपंथी के सिद्धांत और आक्रमण के सिद्धांतों का जन्म होना बहुत सरल है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर मनुष्यता का प्रादुर्भाव होना यही वास्तविक रूप में आत्मा के उत्थान की बात है। एक मनुष्य के अंदर मानवता के बीज पड़ जाना ही आज के संसार में वास्तविक रूप में आत्म उत्थान का मार्ग है। आज हम जब इस संसार को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जितनी हाय हत्या, जितनी मार काट, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी घबराहट, जितनी छटपटाहट आज इंसान के मन के भीतर चल रही है, आज मानव के मन के भीतर चल रही है, आज मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर चल रही है, इतनी हाय हत्या और इतनी मार काट तो जिस समय कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था और दो भाई आपस में लड़ रहे थे उस समय भी नहीं थी। इतनी हाय हत्या, इतनी मारकाट तो देवासुर संग्राम में भी नहीं थी। आज हम मानवों के मनों के भीतर, जीवन के भीतर जितनी हाय हत्या और जितनी मारकाट चल रही है, ये केवल इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे चरित्र से, हमारे कृतित्व से धर्म की शिक्षा का अभाव हो गया है। और शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से हम उन्नति को भी प्राप्त हो सकते हैं और अवनति को भी प्राप्त हो सकते हैं। हम किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन दे दें और मोबाइल फोन देने के बाद उसको शिक्षा ना दें तो वही व्यक्ति इस मोबाइल फोन का दुरुपयोग करके अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी के हाथ में यदि हम मोबाइल फोन दे दें और उसको बता दें कि इससे आप अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हो, आप इससे अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हो, आप इसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोग कैसे कर सकते हो, तो वो विद्यार्थी इससे पढ़कर के एक आईएएस ऑफिसर भी बन जाता है, एक प्रोफेसर भी बन जाता है, एक आईपीएस भी बन जाता है। इसी को कहते हैं कि शिक्षा देना और शिक्षा ना देना। हम किसी व्यक्ति के हाथ में एक चाकू थमा दें और उसको शिक्षा ना दें तो उसी चाकू से अपने पड़ोसी की हत्या भी कर देता है, लेकिन उसी व्यक्ति को यदि हम धर्म की शिक्षा दे दें, कर्तव्य की शिक्षा दे दें, बोध की शिक्षा दे दें तो उसी चाकू रूपी हथियार से वो किसी मरते हुए व्यक्ति का हृदय ट्रांसप्लांट करके उसकी जान भी बचा सकता है। ये सब शिक्षा ही मूल में है। हमारी आत्मा का उत्थान केवल और केवल यदि किसी वस्तु विशेष से हो सकता है, किसी तत्व विशेष से हो सकता है, तो वो धर्म की शिक्षा ही है। हमने अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बना देते हैं लेकिन उसको धर्म की शिक्षा नहीं देते, उसको अच्छा इंसान नहीं बनाते तो वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, अच्छा इंसान नहीं बन पाता तो वो जब पुल बनाता है, बड़े 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 सरकारी टेंडर लेता है तो उसमें धांधली कर देता है और वो पुल जब गिर जाता है तो उसमें मानवता नीचे दब करके मर जाती है क्योंकि हमने उसको धर्म की शिक्षा नहीं दी। हमने अपने विद्यालयों में, अपने स्कूलों में, अपने विश्वविद्यालयों में जब धर्म की शिक्षा का हम अभाव कर देते हैं, उसको वैसी शिक्षा भौतिक रूप से देते हैं और वो एक अच्छा अधिकारी बन जाता है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, परंतु वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता धर्म की शिक्षा के अभाव में, तो वो देश को भी बेच देता है। जब हम एक अच्छे नेता का निर्माण करते हैं अपने विद्यालयों से और वो अच्छा नेता बनकर के हमारे विद्यालयों से निकलता है, परंतु क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था उसको धर्म की शिक्षा नहीं देती तो वो नेता तो अच्छा बन जाता है, वो बड़े बड़े शीर्ष पदों पर तो पहुंच जाता है, परंतु अच्छा इंसान जब नहीं बन पाता तो वो इस देश को बेच देता है और बड़े बड़े करोड़ों रुपये के घोटाले कर देता है। हम एक विद्यालय से पढ़ा करके अच्छा प्रोफेसर बना देते हैं, अच्छा टीचर बना देते हैं, पर अच्छा इंसान नहीं बना पाते तो वो हमारे देश के भविष्य को बेच देता है। इसीलिए धर्म की शिक्षा का होना हमारे विद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में अत्यंत अनिवार्य है। अधर्म की शिक्षा का के होने से इस संसार में कितनी हाय हत्या और मारकाट चल रही है, कितना युद्ध चल रहा है, आप सोच करके देखिए। मदरसा शिक्षा प्रणाली में केवल और केवल एक ही चीज पढ़ाई जाती है और वो होता है अधर्म, और उनकी शिक्षा परंपरा में जब अधर्म को पोषित किया जाता है, उनके छोटे छोटे नौनिहाल, छोटे छोटे बच्चों को मदरसा तालीम में अधर्म पढ़ाया जाता है तो उसका दुष्परिणाम कितने बड़े स्तर पर होता है। लेकिन यदि हम अपने विद्यालयों में, अपने संस्थानों में, अपने शिक्षा विभागों में अपने विद्यार्थियों को, अपने बालकों को, अपने नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा देंगे तो कितना उसका भी प्रभाव पड़ेगा।
हमें यदि किसी झूठ की दीवार को तोड़ना है तो हम उसको बहुत तत्परता से और तल्लीनता से बहुत जल्दी नहीं तोड़ सकते। उसके लिए हमको सत्य रूपी दीवार को इतना ऊंचा खड़ा करना ही होगा कि उनकी जो झूठ रूपी दीवार है, अधर्म रूपी जो दीवारें हैं, अधर्म रूपी जो इमारतें हैं, अधर्म रूपी जो अट्टालिकाएं हैं, वो धर्म रूपी अट्टालिकाओं के सामने बौनी नजर आने लगे। इसीलिए हम अपने बच्चों को, अपने बालकों को, मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे उन महानुभावों को जिनके बच्चे छोटे हैं, कि अपने बच्चों को आर्योद्देश रत्नमाला का पठन पाठन जरूर कराएं। उसमें महर्षि दयानंद ने उन 100 सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों की परिभाषाएं दी हैं जो आपके बच्चे को पता ही होना चाहिए। आपके बच्चे को पता होना चाहिए धर्म की परिभाषा क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए अधर्म क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए विद्या क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए अविद्या क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए स्वर्ग क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए नर्क क्या है, हमारे बच्चों को सत्य और असत्य दोनों ही बातों का बोध होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद ने इन 100 मनकों को बड़े पुरुषार्थ के साथ हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। क्या हम उनके ऋण को उतारने के लिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को केवल वो सिद्धांत पढ़ा नहीं सकते? उनको पढ़ाने में हमें कितना दिन लगेंगे? और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चों को आर्योद्देश रत्नमाला का पठन पाठन अवश्य कराएं, और इसके साथ साथ जब बच्चे थोड़े बड़े हों तो उनके भीतर सत्यार्थ प्रकाश रूपी जो ऋषि दयानंद ने धर्म का परिचय कराने के लिए हम लोगों को एक अमूल धरोहर दी है, उस धरोहर को हम सहेज करके तभी रख पाएंगे जब वो धरोहर हमारे बच्चों के मनों में और उनके हृदय में उतरेगी। हम उनको पढ़ाएं और अपने धर्म की शिक्षा से अपने बच्चों के आत्मोत्थान का, अपने आत्मोत्थान का, अपने समाज के आत्मोत्थान का, अपने राज्य के आत्मोत्थान का और अपने राष्ट्र के आत्मोत्थान का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं और शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रद्धेय खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कर्तव्य कर्मों के दिशा निर्देश किए।